अस्सलाम वालेकुम आल, वेलकम टू जॉब अपडेट डॉट पी के। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के जो हमारे जॉब है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नौकरियाँ आई हैं, जिसके बारे में आज हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट लाजमी क्या करें। तो चलें बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले आप जो भी गूगल या क्रोम यूज़ करते हैं वहाँ पे अपनी सिंपली टाइप करना है जॉब अपडेट डॉट पी के। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक होम पेज खोल जाएगा, तो आपने होम पेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम पेज के क्लिक करेंगे तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपके सामने कोई लिंक्स शो होंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या एडवर्टाइजमेंट फॉर्म विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आज को जो हमारे जॉब है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जॉब्स 2021 है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसमें मल्टीपल जॉब्स आई हैं जो लीगल एडवाइज़र एंड LDA लाहौर है। तो इसके बारे में आप बताता चलूँ, इसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2021 है, मतलब इसी मंथ की 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो इसकी अथॉरिटी के डिटेल बताता चलूँ तो ये जंग न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि नौकरियां आई हैं। और आपकी लोकेशन कहाँ पे होगी, तो आपकी लोकेशन ये लाहौर में होगी, मतलब नौकरी आपकी लाहौर में होगी। हायरिंग एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA है। लास्ट डेट पहले ही बता चुका हूँ 31 जुलाई 2021 है। क्वालिफ़िकेशन आपकी मिनिमम LLB होनी चाहिए। जॉब टाइप ये गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। अच्छा, इसके बारे में अब आगे आपको बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट्स फ्राम पंजाब, मतलब सिर्फ पंजाब वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। और बॉथ मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो तलीम बताई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो LLB होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स में CV, ला बार कार्ड होना चाहिए, मतलब जो आप वकील हैं या जो भी हैं उसका कार्ड होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, दो तस्वीरें, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक से लेकर अब तक के तमाम एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। और जो टेस्ट डेट है या इंटरव्यू डेट है वो आफ्टर डेट ऑफ अप्लाइंग आपको शो हो जाएगी। ये आप एडवर्टाइजमेंट फॉर्म विज़िट कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और कितनी पोस्टेज हैं। सीनियर लीगल एडवाइज़र फॉर सुप्रीम कोर्ट, इसकी एक सीट है, ये LLB क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। सीनियर लीगल एडवाइज़र फॉर हाई कोर्ट, इसकी भी एक सीट है और ये LLB रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र फॉर सिविल कोर्ट, तो इसकी 8 पोस्टेज हैं, तो ये भी LLB रिक्वायर्ड है। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, तो उन्होंने अपनी CV ना एक CV बनवा लेनी है और उसके साथ ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देनी है और उनको अपने पास रखना है और ये डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 31 जुलाई से पहले पहले। तो आपने ये सेंड कहाँ करनी है, तो ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA 4th फ्लोर न्यू बिल्डिंग, इस एड्रेस पर आपने सेंड कर देनी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।